एक्सट्रीम जिम है और जिम का रिसेप्शन ये है, अभी अंदर जाके हम लोग एक्सट्रीम जिम के कोच से भी मिलेंगे, ट्रेनर से भी मिलेंगे और अंदर का पूरा फैसिलिटी क्या है वो भी देखेंगे। आ जाओ जी, नमस्कार। ये है दीपक जी, इस जिम का ट्रेनर है। दीपक जी से हम पूछेंगे यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज है और वेट ट्रेनिंग के बारे में भी सवाल सवाल करेंगे, इससे आपको आइडिया आएगा वेट ट्रेनिंग क्यों करना चाहिए। आपका जिम में क्या क्या फैसिलिटीज है? आपका नाम क्या बताया? मेघना। कितने दिन से आ रहे हैं? एक टू नाइन मंथ्स। देखिए, कुछ लोगों की गलत फहमी ये है
कि जिम जाने के बाद अपने को कट्स आता है, मसल्स आता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए 8 महीने से कर रहे हैं, कितना स्किन में फिटर है। और आपको कैसा लग रहा है जिम में? अच्छा लग रहा है ना। तो हमारे यहाँ क्या होता है, कल्चर ऐसा है कि लेडीज को जिम जाने से थोड़ा हेजिटेशन होता है। आपको क्या लग रहा है जिम में आने से, क्या कैसे कितना फायदा मिला है आपको? हेजिटेशन कुछ नहीं है। हाँ अच्छा है, बहुत अच्छा है। हाँ बेनिफिट तो हुआ है। ओके थैंक यू। सुबह जी हमारे को ये बताइए, अभी वेट ट्रेनिंग स्टार्ट करने के लिए प्रॉपर एज कौन सा है? सर वैसे तो वेट ट्रेनिंग हर एज का बंदा कर सकते हैं, क्योंकि एज की बॉडी बनाने के लिए जिम आ रहे हैं, क्योंकि स्पोर्ट्समैन भी आते हैं हमारे यहाँ, तो स्पोर्ट्स खेलने की कोई एज नहीं। हाँ ओके, तो जिम भी एक स्पोर्ट्स ही है। तो आप 16 ईयर से या 16 साल से वेट ट्रेनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं, कोई लाइट वेट करता है, कोई हैवी वेट करता है, सभी लोग बॉडी बिल्डिंग के लिए जुड़े आते हैं, अपने फिटनेस के लिए आते हैं। लड़के आते हैं वो कोई पिक्चर देखता है, टाइगर श्रॉफ या ऐसा ऐसा पिक्चर देखते हैं, उनके मन में रहता है कि जिम जाने के बाद तुरंत बॉडी आ जाएगा, उनका मन में नहीं रहता है। तो आ जाते हैं, एक्सपेक्टेशन बहुत रहता है। तो जिम में आने के बाद अगर वो उसने शर्ट निकाला, कोई उसको पहचानेगा कि ये जिम कर रहा है, वो दिखने के लिए लगभग कितना दिन लगता है? सर देखो फिटनेस जो है ना वो लॉन्ग जर्नी है, उसको अचीव करने के लिए टाइम देना पड़ता है, 6 मंथ कम से कम। हाँ कम से कम 6 मंथ, क्योंकि हमें किसी भी वर्कआउट को डिसिप्लिन के साथ सीखने के लिए 6 मंथ चाहिए। वो जो टाइगर श्रॉफ का बॉलीवुड की बात करें, जो प्रिपरेशन करते हैं वो जिम में पूरी तैयारी नहीं होती, वो डेली जिम करते हैं, अपने ट्रेनर का डेली वर्कआउट डाइट सब चीज़ फॉलो करते हैं। हाँ वो जब तक शूट होता है वो दिखा दिया, तो वो भी डेली अपना वर्कआउट करते ही हैं, चाहे किसी भी मूवी के लिए देख लो वो उसकी प्रिपरेशन करते हैं। जो स्टूडेंट्स है वो मन में ये नहीं रखना कि जाने के बाद 1 महीने में बॉडी आता है, ऐसा नहीं है। पहले आप जिम रेगुलर स्टार्ट कीजिए और उसका 6 महीने के बाद ही कुछ तो कुछ रिजल्ट आएगा। सो 1 महीने में आता है, कुछ लोग 1 महीना आता है बाद में छोड़ देते हैं, ऐसा मत कीजिए। तो एक कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट जिम के लिए। दीपक जी अभी मैंने देखा है लेडीज़ को जिम आने के लिए वो घबराते हैं, मतलब घर में उनको भेजते नहीं, कुछ लोगों का मन में रहता है कि अगर हम लोग जिम जाएंगे तो कट्स आएगा, मसल्स आएगा, एक है बस। तो लेडीज़ को आना चाहिए या नहीं? हाँ लेडीज़ को भी आना चाहिए, जेंट्स करता है तो लेडीज़ को भी जाएगी, ऐसा नहीं है कि कट्स ही आएंगे, वो हमारे ट्रेनिंग जोन पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब वो भी फीमेल आती है उनको क्या दिक्कत है, हाई ब्लड प्रेशर है, PCOD है, DR हुई है, तो उनको दिक्कत नहीं भी, आपको स्टैंड ट्रेनिंग भी करना होगा, बट उससे कट नहीं आता आपका है बॉडी का क्या फंक्शन है। जब हम स्ट्रेच करते हैं तो मसल वहाँ से जहाँ मसल होता है वहाँ से फैट को उड़ा देता है, इसलिए तो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जरूरी है। एक मिथ हो चुका है कि वेट ट्रेनिंग करने से कट आएंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे लोगों को जो मोटे होते हैं वो वेट होते हैं, उनके मन में ऐसा लगता है कि सभी लोग एडवाइस करते हैं कि आप वॉकिंग करो, तो वेट लॉस करने के लिए वॉकिंग अच्छा है या वेट रनिंग अच्छा है? सर वैसे तो दोनों चीज़ें अच्छी हैं, वॉकिंग एक कार्डियो सेक्शन हो गया, कार्डियो मतलब हमारे हार्ट के लिए, इंटरनल ऑर्गन्स के लिए, बट हमारा जैसे हमें ज़्यादा कार्डियो करेंगे तो हमारा स्किन भी लूज पड़ेगा, उसको ठीक रखने के लिए हमें वेट रनिंग स्टैंड करना ही पड़ेगा, तो हम बॉडी से पावर लगाएंगे तो बॉडी फैट से एनर्जी तो उस जगह को वेट रिड्यूस करने का मेन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कार्डियो, कार्डियो के बाद हमारी कार्डियो करने से स्किन लूज पड़ेगी। तो फिर दोनों करना, दोनों ही करना, दोनों कॉम्बिनेशन बना। तो बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है बीच में एक एक घंटा वॉक करते हैं, लेकिन उनका 1 ग्राम भी कम नहीं होता है, जैसे है वैसे ही रहता है। इसलिए आप प्रॉपर ट्रेनर से मिलके अपना वेट ट्रेनिंग के बारे में अगर पूछेंगे तो आपको करेक्ट नॉलेज भी आएगा, आपका वेट भी लॉस हो जाएगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि प्रॉपर ट्रेनर को आप ढूंढो और प्रॉपर ट्रेनर से आप जो वेट लॉस करने का जर्नी है वो स्टार्ट करो। अभी जो सीनियर सिटीजन है वो जिम में जाने के लिए जब वो जाना चाहते हैं तो घर के लोग बोलते हैं कि सीनियर सिटीजन को जिम नहीं करना चाहिए, किधर वो हड्डी विड्डी टूट जाएगी, ऐसा ख्याल रहता है, मिथ्स है। तो
उसके बारे में आप क्या? सर मैंने जस्ट अभी आपको अपने मेंबर से मिलाया है, 40 प्लस 60 तक है, ये कहने की बात होती है। सबसे पहले जब आप जिम जाओ तो अपनी मेडिकल कंडीशन में ट्रेनर को बताओ कि मेरे से ये मेडिकल इश्यूज है, वो आपको उसी तरीके से ट्रेन करेगा। अपने ट्रेनर से कुछ मत जाओ, अपना मेडिकल रिपोर्ट जरूरी है, अपने ट्रेनर से डिस्कस करो। अभी आपके जिम में सीनियर सिटी एक तो मिला मैं और भी है ना? और भी है सर, बहुत है, 60 प्लस भी है। देखिए 60 प्लस के लोग बहुत लोग आ रहे हैं, एक बार आप आके देखिए, जिम में आके देखिए, एक दो तीन महीने में आपको कितना फर्क पड़ेगा वो मालूम हो जाएगा। फिर जो जिम में आते हैं वो वेट लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग तो कॉमन है, क्रिएटिन तो कॉमन है, उसके अलावा और कुछ सप्लीमेंट चाहिए क्या? सप्लीमेंट मेनली आपके फाइबर होने चाहिए। हम डाइट में कैसे देखते हैं कि आपको फाइबर अच्छा मिले, प्रोटीन अच्छा मिले, ये नहीं कि आपको सप्लीमेंट ही लेना है। हाँ, आप घर की नेचुरल डाइट से सब्जी चीज़ कर सकते हो। सप्लीमेंट उसके लिए है जैसे कोई वर्किंग बंदा है, डाइट को नहीं फॉलो कर सकता तो अपने साथ कैरी कर सकता है, तो सप्लीमेंट यूजली उसका पूरा डाइट करा देते हैं। वो सब आप बताइए। उसमें ज़्यादातर आपको एक एग हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया, वेजिटेरियन के लिए फ्रूट्स वगैरह हो गया, जूस हो गया, फाइबर बॉडी के लिए मेन फाइबर होता है, वे प्रोटीन से भी ज़्यादा, क्योंकि हमारी पूरा बॉडी अमीनो एसिड्स का है, मतलब मेन अमीनो एसिड्स ही लेगा। कहाँ भी ग्राउंड मिलता है वो ग्राउंड में बच्चे बहुत खेलते थे, क्रिकेट या वॉलीबॉल वो सब खेलते थे। आजकल का क्या हुआ है, हर बंदा, हर यंगस्टर्स क्या करता है, मोबाइल लेके बैठता है, उसी में खेलता है। तो एज ए ट्रेनर आप यंगस्टर्स के लिए, स्पेशली यंगस्टर्स के लिए क्या एडवाइस देना चाहते? सर मैं तो बोलता हूँ ट्रेनर की उससे भी, जो हमारे गार्जियन है अपने बच्चों को स्पोर्ट्स की तरफ ले लेगा, क्योंकि तो हम नहीं ही उन्हें रोक दिया, घर में रहो, घर में रहो, उनको स्पोर्ट्स कराएं, कोई सा भी स्पोर्ट्स है, उनका हेल्थ भी अच्छा होगा, उनका ग्रोथ अच्छा होगा, मेंटली भी स्ट्रॉन्ग बनेंगे किसी भी चीज़ को लेकर, क्योंकि फिटनेस आज के टाइम में सब हो गया, सब वीडियो गेम्स में या सिटिंग वर्क में रह गए। मैं तो बड़ों को भी यही बोलता हूँ कि फिटनेस जर्नी अपना स्टार्ट करें, बच्चों के लिए भी ऐसा नहीं है कि जिम ही जरूरी है, आप कोई सा भी स्पोर्ट्स कोई सा भी। ओके थैंक यू, बहुत सारा नॉलेज मिला सर, और आपका ये जिम और भी अच्छा चले, मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ सर। ओके थैंक यू।